हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा अष्टमी की आप सभी को ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने राधा अष्टमी पर अपने मंदिर को कैसे सजाया, मैंने अपने कान्हा और किशोरी का अभिषेक कैसे किया छोटी सी झलकी, और मैंने कैसे उनका अभिषेक कराया। तो आज इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने कान्हा और किशोरी को दोनों को साथ बैठाकर उनका अभिषेक कराया पहले, और उसके बाद फिर गंगा जल से मैं अभिषेक करा रही हूँ इनका। और अब मैंने जो हमारा अभिषेक का जल था वो एक साइड निकाल दिया, और अब मैं उन्हें प्लेन वाटर में अभिषेक स्नान कराया उनका फिर। और अब देखिए, मैं अपनी किशोरी को तैयार कर रही हूँ, और मेरी किशोरी की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। तो मैंने स्नान करा के उन्हें ड्रेस पहना दी, और अब मैं उन्हें ये गले में उनका हार पहना रही हूँ। और हार मैं बांधती नहीं, मैं पीछे से थोड़ा सा बट दे देती हूँ। और अब मैं उनके हाथों में कड़े पहना रही हूँ, और मेरी किशोरी के ऊपर ये ड्रेस मुझे इतनी सुंदर लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैंने उन्हें कड़े पहना दिए, और अब मैं उन्हें तिलक लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैं उन्हें तिलक लगा रही हूँ, मैंने उन्हें तिलक लगा दिया। मैंने रेड कलर का उन्हें तिलक लगाया क्योंकि इसमें उनकी ड्रेस के अंदर रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी है इसीलिए। और अब ये देखिए, बीड्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में शेयर करके बताया था, तो ये बीड्स मैं लगाऊंगी, और इससे मैं इनकी नोज पिन बनाऊंगी। ये ब्लू कलर का बीड्स लिया है मैंने, ग्लू टेक लगा के मैंने नोज पिन इनकी बना दी है। और अब मैं ये जो बड़े वाले बीड्स हैं इनसे इनके कानों में इयररिंग्स बनाऊंगी, कानों में लगाऊंगी। इयररिंग्स तो उन्होंने गोल्ड के पहने हुए हैं, बट मैं ये लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे इनका जितना श्रृंगार करती हूँ ना, मुझे कम लगता है। तो इसीलिए अब मैं उन्हें कानों में ये लगा दिए हैं बीड्स, और ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये भी मैंने रेड कलर के ही लगाए हैं, मैंने रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा है उनका। और अब ये देखिए, मैंने उनके बाल उन्हें पहना दिए हैं, और अब मैं चंदन का तिलक करूँगी उनका। और अब मैं अपनी किशोरी को ओढ़नी उड़ा दूँगी, बहुत सुंदर लग रही हैं। और अब मैंने उन्हें इत्र लगाया, और अब उन्हें मिरर दिखा रही हूँ। अब उन्हें खुद को भी तो देखना है ना, वो कैसी लग रही हैं। और अब मैं अपने कान्हा को उनकी ड्रेस पहना दूँगी, और मेरे कान्हा भी ना मतलब बिल्कुल किशोरी की मैचिंग से रहते हैं ये। बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए, मैं उन्हें हार पहनाऊंगी, दोनों के सेम हैं, ड्रेस भी सेम है। और इसी तरह से मैं बट देकर उनका हार पहना दूंगी, और अब इन्हें भी मैं कंगन पहनाऊंगी। क्यूटी क्यूटी पाई, मैंने उन्हें कंगन पहना दिए, और अब उनका तिलक लगाऊंगी। देखिए, मैंने उन्हें तिलक भी लगा दिया है, और अब उनके भी कानों में मैं ये बीड्स लगाऊंगी, रेड कलर के ही लगाऊंगी मैं इन्हें भी, क्योंकि दोनों की ड्रेस भी सेम है तो इसीलिए। और अब उनके ना गालों पर ये स्टोन लगाऊंगी मैं छोटे से, पता नहीं जब मैं उनके गालों पर स्टोन लगाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मैं नई कर्ल वाले बाल पहना रही हूँ, और अब उनका चंदन का तिलक लगाऊंगी मैं। और ये देखिए, ये मैं मुकुट लेकर आई हूँ उनका, सेम मुकुट मैंने युगल सरकार की कृष्णा जी को पहनाया है, और सेम इनका भी लेकर आई हूँ। तो अब मैं उन्हें ये पहनाऊंगी। तो ये देखिए, अब ये कितने सुंदर लगेंगे। मैंने बाल थोड़े से दोबारा सेट किए हैं क्योंकि पहले ठीक से सेट नहीं लगे थे मुझे, आगे आंखों पर आ रहे थे, अब दोबारा से सेट किए हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब मैंने उन्हें इत्र लगा दिया, खुशबू भी तो आनी चाहिए ना थोड़ी सी। और अब उन्हें मिरर दिखाएंगे हम। और ये मैं मोर पैच का ये थोड़ा सा ये ग्लू टैग लगा के इससे अटैच कर दूंगी कलंगी।
तो अब देखिए मेरे कान्हा और किशोरी कितने सुंदर लग रहे हैं। नजर उतार दूंगी। ये देखिए मेरी किशोरी और ये कान्हा, और ये जो इनके मुकुट में ये लटकर लटक रही है ना, सच में बहुत सुंदर लग रही है। और ये देखिए साथ में हमारे वासु कितने सुंदर लग रहे हैं। वासु की वीडियो मैं आज नहीं बना पाई हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो अब की बार वासु के श्रृंगार की बनाऊंगी। आप सब ने बोला कि इनके श्रृंगार की बनाऊं, तो अब ये देखिए मैंने इनका भोग बनाया हुआ है, आलू के पराठे, केले, अरबी और सिमई। और ये मैंने उनका जो श्रृंगार चढ़ाया, देखिए बिछवे रखे हैं मैंने, नेल पेंट रखा है, सिंदूर रखा है, और तुलसी माला रखी है, दो बिंदी के पत्ते रखे हैं, मेहंदी रखी है, रुमाल रखा है, ब्लाउज रखा है, और दो सेट चूड़ियों के रखे हैं, काफ़ी कुछ रखा हुआ है, और एक टॉफ़ी का पैकेट, क्योंकि बच्चे हैं टॉफ़ी बहुत पसंद होती है, तो इसलिए एक टॉफ़ी का पैकेट रखा है। ये सब मैंने इनके श्रृंगार में रखा है, और मैंने एक पर्स भी रखा है क्योंकि किशोरी को पर्स भी तो चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने पर्स भी रखा है। और ये देखिए ये मैंने मंदिर इस तरह से, और अब ये मैंने इन्हें शाम का भोग लगाया है, तो शाम के भोग में मैंने जो मैंने अपने लिए बनाया था कुट्टू का, वही मैंने इनके लिए कुट्टू की पकौड़ी वगैरह, और ये मेरी छोटी बहन है उसके कान्हा हैं, और ये उसके युगल सरकार है, देखिए ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये सारी ड्रेसेस हम वृंदावन से लेकर आए थे, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये गोपाल जी। और उससे भी थोड़ा मंदिर ये जो सजाया हुआ था, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए वासु को मैंने थोड़ा सा मंदिर डेकोरेट किया, ज़्यादा नहीं कर पाई पर थोड़ा जितना हो सका। और ये देखिए मेरे बाकी भगवान जी, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, और ये देखिए माता रानी, ये सभी भगवान, राम दरबार, और ये मैंने झूला सजाया हुआ है, तो आप देखिए मेरे कान्हा और किशोरी के झूले दर्शन। और मैंने इन्हें झूले में बैठा के कुछ भजन भी गाए खुद ही, आज मैंने कीर्तन नहीं कराया क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इसलिए आज मैंने कीर्तन नहीं कराया, वरना हर साल मैं कीर्तन भी कराती हूँ, बस आज खुद राधाष्टमी से ही पर। कुछ भजन कर लिए। बरसाने में धूम मची भारी, बरसाने में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन लाली को, आयो है जन्मदिन लाली को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे कान्हा और किशोरी का श्रृंगार भी बहुत पसंद आया होगा, साथ में वाशु का श्रृंगार भी बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और गोपाल जी का श्रृंगार भी बताइएगा कैसा लगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।